जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। अभी फ़िलहाल में हम उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ के श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर में किसी प्रकार की कोई भी आलू की कटाई आज नहीं हो रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज दिनांक 13 जून है और अभी फ़िलहाल में बिल्कुल शाम हो चुका है। हो सकता है किसी कारण बस वीडियो लेट आई हो, उसके लिए क्षमा मांगूंगा। कोई नहीं, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हसन की, आगरा की, बिहार की और आपके वेस्ट बंगाल और पंजाब में आलू का स्थिति क्या है। सबसे पहले तो हमारे सभी भाइयों का एक ही कमेंट आता है कि आगे चल के आलू में क्या उम्मीद लग रही है। देखिए भाई, उम्मीद की अगर बात की जाए तो आजकल हम देख रहे हैं जो लोग आलू के भविष्य बताने का कार्य कर रहे थे, अब वो अपनी बात से पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। कहने लगे हैं कि भविष्य कोई नहीं देख के आ गया है, अभी फ़िलहाल में आलू का दाम अच्छा मिल रहा है, बस आलू बेचना चाहो तो बेच दो, रखना चाहो तो रख लो, अब तो इस बात पर आ गए हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अगर आप हमेशा सत्य और सही जानकारी देते रहोगे तो शायद हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में आलू का पोजीशन क्या है और इस महीने तक आलू की निकासी कितनी हो सकती है। अभी फ़िलहाल में वेस्ट बंगाल में जो यूपी का आलू है वो आपका 900 से लेके और 950 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। वहीं बात करें वहाँ पे बंगाल का आलू जो है, वहीं लोकल का, वो 1030 रुपये से लेकर और 1080 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। वहीं बात करें पुखराज आलू की तो पुखराज आलू 800 से लेकर और 850 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आलू की बिक्री हो रही है। दूसरी बात, बारिश का कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात, लोग ये सोच रहे हैं वहाँ बंगाल के कि बंगाल में आलू का रेट कटने की संभावना है, मतलब ये रेट और गिरने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार समस्तीपुर में जो C40 आलू है वो आपका 1350 रुपये से लेकर और 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। वहीं पे बिहार समस्तीपुर में अभी आज लगभग 4-5 तारीख से कोल्ड स्टोर ओपन हुए थे, निकासी अब ठीक ठाक होने लगी है, मतलब ठीक ठाक होने लगी है। अब बात करते हैं बिहार गुलाब बाग की। तो बिहार गुलाब बाग में आपका जो न्यू हाईलैंड आलू है वो 1600 से लेकर और 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। वहीं बात करें सफ़ेद आलू की तो 1400 से लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। ज्यूती आलू की बात करें तो वो 1500 से लेकर और 1600 रुपये क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। और भाई बात करिए निकासी जो है अभी 4-5 तारीख से स्टार्टिंग ही हुआ है, बारिश का कोई अता पता वहाँ पर भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब की। तो पंजाब में ख्याति आलू जो है आपका 500 से लेके 600 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित आलू की बिक्री हो रही है। या लार और डायमंड आलू की बात करेंगे तो आपके 650 से लेकर और 700 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। वहीं बात करें निकासी की तो लगभग 5% से लेकर और 7% तक आलू की निकासी हो चुकी है, ये अनुमान हमारा है। वहाँ के लोकल के लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें वहाँ की निकासी की जानकारी देने का एहसान करें। अब बात करते हैं हम लोग फरखाबाद की। तो फरखाबाद में आपका जो भी आलू का भाव है, सफ़ेद आलू जो हैं 600 से लेके और 650 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित आलू की बिक्री हो रही है। वहीं बात करेंगे आपका 3797 तो 700 से लेके और 750 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है फरखाबाद में। लाल आलू की बात करें तो लाल आलू बहुत कम होते हैं, लाल आलू भी 700 से लेके 750 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से ही बिक्री हो रही है। वहीं बात करें निकासी की तो निकासी मेरा जो आंकलन है अभी तक समथिंग 7-8% हो चुकी है, वहाँ के लोगों का मानना लगभग 9-10% है, लेकिन मेरा अनुमान
7% से लेकर 8% आलू की निकासी का है। अब बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में आलू की डिमांड जो है इस समय भयंकर है, मतलब वो जो है अनलोडिंग और लोडिंग भयंकर तरीके से हो रही है, मतलब बहुत स्पीड में आलू की डिमांड साउथ की मंडियों में ज़्यादा हो गई है, लेकिन भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं लोग बाग यूपी के कि भाई बारिश हो जाएगी तो आलू का दाम सुधर सकता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि बारिश अभी इस महीने तक आएगी। दूसरी बात, किसान भी इस भाव में आलू बिक्री करने के लिए इच्छुक नहीं है। आगरा में 750 से लेके 850 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। दूसरी बात करें आपका ये सुपर आलू 850 से लेके 900 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिक रहे हैं। अभी तक अब हम आप लोगों को यहाँ के कोल्ड स्टोर का नज़ारा दिखाते हैं बैक कैमरे से छिबरामऊ का। जो फरखाबाद का रेट है वही रेट छिबरामऊ का है।